पश्चिम रेलवे के जीएम अशोक कुमार मिश्र गुरुवार को रतलाम रेल मंडल के दौरे पर पहुंचे। जीएम के आगमन से पूर्व रतलाम रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई कर चमका दिया है। दाहोद से रतलाम रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद शाम को रतलाम पहुंचे, जहां उन्हें वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ रतलाम मंडल ने अनुकंपा नियुक्ति के अस्तित्व प्रकरणों पर विचार के लिए ज्ञापन सौंपा है। जीएम अशोक कुमार मिश्र ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनरल इंस्पेक्टर अच्छा रहा है। ट्रेन की स्पीड को लेकर पहले फेज में मुंबई से अहमदाबाद और दूसरे फेज बड़ौदा से लेकर नागदा तक कार्य किया जा रहा है। आने वाले वर्ष 2024 में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ मजदूर संघ रतलाम मंडल ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर पुनर्विचार करने की बात कही। 2024 अनुकंपा ये नियुक्ति को लेकर बाहर जो वो उनसे बात करेंगे, रेलवे का अपना इंटरनल मामला बात करते हैं। पश्चिम रेलवे में अभी के स्थल से पाताल पानी ट्रेन चालू की गई थी, वो बंद की जा रही है। हमने पिछली बार डिमांड हम आए थे, लोगों ने कहा कि जल्दा चले गए, हम गए थे पाताल सेक्शन में, तीन बार चलाया, तीन दिन हफ्ते में की गई, वो चलना बंद हो गया। और दूसरे पिछली बार भी ये जो सीजन आता है दिसंबर के बाद बंद करती है, फिर अब जुलाई से हम लोग फिर चलाएंगे। जब तक टिकट बिकेगा तब तक चलेगा, जब टिकट नहीं बिकेगा बंद कर देंगे। तो धंधा है पूरी तरीके से बंद की जा रही है, पूरी तरीके बताइए कहाँ से बचा लाभ हमें भी नहीं पता है, आप बता रहे हैं। कवच जो सुविधा है उसको लेकर क्या स्थिति रहेगी कब तक? सबसे पहले कवच देखिए, जो 160 का गाड़ी करेंगे उसमें कवच बहुत जरूरी है। तो अभी हमारे ट्रायल ऑलरेडी 100 किलोमीटर पे इंजन ट्रायल के साथ बड़ौदा डिवीजन में हो चुका है। हमको सबसे पहले गाड़ी मुंबई से अहमदाबाद जहाँ तक जो हमारा प्रोग्रेस है उस पर चलेगी, और वो हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि मार्च के पहले वो काम कर लें। उसके इमीडिएट बाद बड़ौदा से लेके नागदा तक का सेक्शन, तो यहाँ भी उसी हिसाब से काम होगा। और ये काम जैसा पूछ रहे थे 2024 में पूरा करना है। पश्चिम रेलवे की एक पश्चिम से रतलाम हो गए वंदे भारत ट्रेन चलाने का है, कब तक चल जाएगी? मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। ताकि आप जीएम साहब, पश्चिम रेलवे के ऐसे कौन से बड़े काम है जो अभी आपको करना है या रनिंग में है? कुछ बहुत सारे बड़े काम हैं, कुछ बता दें। एक तो 160 का हो रहा है, दूसरा हमारे कई स्टेशनों पे रतलाम मंडल में ही अमृत स्टेशन काम हो रहा है जो आपको दिख रहा होगा, आज हमने प्रोग्रेस देखी मेघनगर में और दो चार स्टेशनों पे। उसके अलावा ट्रैक का काम है, फिर जो स्टेशनों का काम है, एक तो अमृत स्टेशन हो गया और एक बड़ा स्टेशन जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें अपने यहाँ के रतलाम मंडल के दो स्टेशन हैं, उज्जैन और इंदौर, तो उसका हम लोग डीपीआर वगैरह भेज चुके हैं, वो फाइनल सेंक्शन आने पर भी काम शुरू होगा। इसके अलावा और कई सारे काम है, कुछ जैन में ट्रेनिंग स्कूल हमारा आना है, उसका टेंडर निकल चुका है, ऐसे कई काम हैं जो चल रहे हैं। लेबर क्रॉसिंग्स खत्म करने का प्रोजेक्ट चल रहा था, फाटक मुक्त तो करना है लेकिन उसमें कई जगह नहीं हो पा रही, जो सबसे पहले वो की जा रही है जिनपे फिजिबल है, उसके अलावा तरीका बहुत सारे प्रोजेक्ट है। सर रावटी और मोहरवानी के बीच में जो वाल बना रहे हैं सर, उसको आदिवासी द्वारा अभी भी ब्रेक किया जा रहा है। अभी मैं रावटी मोहरवानी देख के आया हूँ, वहाँ पर बीच में तोड़ रहे हैं, उसका क्या प्रावधान रहेगा बाद में जब गाड़ी चल जाएगी? जो ऐसे तोड़ते हैं उसमें हम लोग उसको वो करेंगे WBM मतलब मेटल बीम फेंसिंग करेंगे, ताकि वो जो निकलना है आदमी निकल सके लेकिन जानवर ना आए, जैसा हमने किया है। तो जहाँ ऐसा होगा वहाँ कॉन्क्रीट वॉल की जगह जो ऐसे बात की जाएगी गांव वालों से, और वहाँ पे मेटल बीम फेंसिंग दी जाएगी। सर अमृत भारत स्टेशन में स्टेशन पूरा जो कैंपस है उसको सुरक्षित भी करेंगे, जैसे अभी रतलाम स्टेशन पे चार पांच जगह से लोग आ सकते हैं, कभी भी आके चले जाए, वो कंट्रोल किया जाएगा। पिट लाइन को लेके जो रतलाम में मंत्री जी आए, पिट लाइन का उन्होंने कहा उसका भी एग्जामिन हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। और क्योंकि अभी और लोग बहुत मिलने वाले हैं, अब आखिरी सवाल है, रतलाम से इंदौर के बीच का डबलीकरण होना है, फतेहाबाद वाले रास्ते वो भी गया हुआ है, हाँ गया हुआ है, वो सैंक्शन आएगा तो वो हो जाएगा। सर मऊ सनावत कब तक रिस्टोर हो जाए? मऊ से बड़ा लंबा सवाल आपने पूछ लिया उसमें तो टाइम, मतलब आप सेक्शन वाइज पूछिए, हम लोग उधर से ओंकारेश्वर से पहले इधर बढ़ते आएंगे और इधर से पाताल पानी पहले देंगे, पाताल पानी से सनावत जो है उसमें टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपके साथ सर? अरे अभी तो काम शुरू हुआ है, अब तो बंद हुई तो सर परसों हो गए, नहीं अब पर अब हो जाएगा। अभी आप रतलाम गोधरा का निरीक्षण करते हुए तो इसमें 160 kmph सक्सेस हो जाएगा? 160 यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ तो ये कर्व है, इसमें तो कर्व यूज करके हम लोग 120-130 पे गए, तो 100 पे गाड़ी चलती है, 100 पे चल रही है, इसको 120 पे चलेगी, सीधा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, चलिए।